आज हम अपने एक और साइंस विद क्ले फॉर किड्स प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको पता लगेगा कि कैसे आप आसानी से बहुत सारे फैक्ट्स अपने बच्चों को इजीली बता सकते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले एक प्लेन शीट पे हम लीफ एंड एक स्मॉल एग बनाएंगे यूजिंग द क्ले। We begin with egg in the life cycle of butterfly, क्योंकि egg life cycle की सबसे smallest unit है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो eggs हैं, these are laid by female butterflies on a leaf or a stem usually. That's why we have shown this leaf with the egg. इसके बाद हम एक butterfly बनाएंगे using our creativity. बच्चे अपने idea से भी butterfly बना सकते हैं। वैसे तो as per the sequence of life cycle, एग के बाद हमें कैटरपिलर बनाना चाहिए, बट बटरफ्लाई बनाने से आप छोटे बच्चों को बता सकते हैं दैट दिस एग बिलोंग्स टू दिस बटरफ्लाई। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंजॉय मेकिंग कलरफुल बटरफ्लाई, इसलिए उनके इंटरेस्ट लेवल को हाई रखने के लिए भी वी लेट देम यूज देयर इमेजिनेशन एंड मेक अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। बट बटरफ्लाई की प्लेसमेंट का ध्यान रखिए। According to the life cycle of a butterfly, butterfly gives eggs. Egg grows to become a caterpillar. So ये रहा हमारा cute सा caterpillar. And caterpillar becomes pupa. बच्चों की knowledge enhance करने के लिए आप explain कर सकते हैं कि caterpillar बाहर निकलने के लिए egg की outer shell को खा के बाहर निकलते हैं. And उसके बाद leaves को खा के grow करते हैं. Also क्योंकि grow होने से caterpillar की skin tight होने लगती है, तो इट टेंड्स टू शेड इट्स स्किन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज। और जब कैटरपिलर फुली ग्रो हो जाता है तो प्यूपा बन जाता है। इट मींस अपने चारों तरफ एक सेफ आउटर लेयर फॉर्म कर लेता है, ताकि उसमें ये आराम से कुछ वीक्स या कुछ मंथ तक रेस्ट कर सके एंड एक फुली ग्रोन बटरफ्लाई में डेवलप हो सके। इस ग्रोथ पीरियड में ये आउटर लेयर बटरफ्लाई को बाहर के वेदर कंडीशंस एंड हार्मफुल प्रेडेटर से भी प्रोटेक्ट करती है। And when the butterfly gets ready, it comes out of pupa. And life cycle of butterfly goes on. Butterfly gives eggs, eggs grow into caterpillars, caterpillar becomes pupa, pupa becomes a butterfly. I hope you enjoyed learning it. So keep watching and sharing this useful video with your friends. And I will try to bring more meaningful content for you through my video. अपनी next video में हम जानेंगे about the 5 parts of a plant. Until then, take care. I hope you liked this video and don't forget to click on the subscribe button for my latest videos and updates.